गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 सोशल में चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द एंशियंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड। तो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को 3 एजेस में या 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। तो एंशियन हिस्ट्री होती है, मिडिवियल होती है एंड मॉडर्न होती है। तो आपने क्लास 6 में एंशियन हिस्ट्री पढ़ रखी है एंड क्लास 7 में आपने मिडिवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रखा है। तो अब इस साल आप लोग 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओवर द लास्ट 2 ईयर्स यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द एंशियंट एंड मिडिवियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आपने पिछले क्लासेस में एंशियन एंड मिडिवियल पीरियड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट एंड मिडिवियल पीरियड के बारे में पढ़ा हुआ है। दिस ईयर यू विल लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इस साल आप क्लास 8th में इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज यूजली कंसिडर्ड टू बिगिन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 18th सेंचुरी। तो हमारे इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ, जब से ब्रिटिश ने हमारे इंडिया के ऊपर शासन करना शुरू किया, ठीक है, उसके ऊपर जब से कब्जा जमा लिया 18th सेंचुरी में, तब से जो टाइम है वो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। एक्सटेंडेड टिल इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947। तो जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है, 18th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर, और जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है, 1947 तक का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। हाउएवर दिस डिमार्केशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो अब हालांकि जो मॉडर्न पीरियड है हिस्ट्री का, कोई भी जो पीरियड होता है हिस्ट्री का, वो अलग हर कंट्री का अलग अलग होता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द 16th सेंचुरी यूरोप वॉज ऑलरेडी ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द मॉडर्न पीरियड व्हाइल इंडिया वॉज स्टिल इन द मिडिवियल पीरियड। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखें तो यूरोप में 16th सेंचुरी में क्या था उस टाइम पे, वहाँ पे मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री का चल रहा था, लेकिन हमारे इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि 16th सेंचुरी में मिडिवियल पीरियड चल रहा था। तो हमारे इंडिया में जो मिडिवियल पीरियड का टाइम है वो 12th सेंचुरी से लेकर जो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग है ऐसे वहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडिवियल हिस्ट्री पीरियड में आता है। तो जब यूरोप में मॉडर्न पीरियड चल रहा था तो उस टाइम हमारे इंडिया में क्या था कि मिडिवियल पीरियड चल रहा था उस टाइम। द वर्ल्ड इन 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी में वर्ल्ड में क्या था, क्या पोजिशन थी, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो उसके बारे में हम देखें। इन AD 1453 द तुर्क टुक कंट्रोल ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट। तो अगर हम वर्ड क्या था कि 1453 में जो तुर्क थे, यानी जो तुर्की के लोग थे, जो तुर्क थे, उन्होंने जितने भी ओवरलैंड ट्रेड रूट्स थे, यानी कि जितने ट्रेड रूट्स से ज़मीन के ऊपर जितने भी व्यापारिक रास्ते थे, ठीक है, जो कोई यूरोप के साथ कनेक्टेड थे, यूरोप यूरोप को ईस्ट के साथ जोड़ते थे, उसके ऊपर तुर्क ने क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया, उनके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। दिस फोर्स द यूरोपियन टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सी रूट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि तुर्क ने क्या किया कि यूरोप को ईस्ट के साथ जोड़ने वाले जितने भी ट्रेड रूट्स थे ओवरलैंड वाले, उसके ऊपर तुर्क ने कब्जा जमा लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उन्हें ज़रूरत पड़ी एक दूसरे सी रूट्स के ढूंढने की, तो उन्होंने समुद्र के रास्ते खोजने की शुरुआत कर दी। द जस्ट ऑफ एडवेंचर इनिशिएटेड बाय द रेनेसेंस आल्सो इनकरेज लॉन्ग सी वॉयज। तो एक तो जो एडवेंचर का उत्साह था या जो पुनर्जागरण, तो रेनेसेंस क्या होता है, जो पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण की वजह से क्या था कि यूरोपियन के जो लोग थे उनका जो ये एडवेंचर का उत्साह था, यानी नए सी रूट्स ये ढूंढना चाहते थे, वो लंबे लंबे सी वॉयज में, यानी कि बड़ी बड़ी समुंदर की यात्राओं में ये बदल गए, उससे उससे बड़ी बड़ी समुद्र की यात्राएं भी हुई। द इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मैरिनर्स कंपास, यूज ऑफ गन पाउडर, इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी एंड शिप बिल्डिंग फैसिलिटेटेड द प्रोसेस।
तो क्या हुआ कि जो एस्ट्रोरेबेल का इन्वेंशन था, या मार्नियर का जो कंपास थी, या गन पाउडर का यूज़, जैसे बारूद का यूज़ जो था, और कार्टोग्राफी का इम्प्रूवमेंट हुआ। कार्टोग्राफी जो थी, अब कार्टोग्राफी क्या होती है, जो मैप मेकिंग साइंस होती है, वो साइंस जिसके अंदर हम मैप को मैप बनाते हैं, तो उसे कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो कार्टोग्राफी भी उस टाइम काफ़ी इम्प्रूव हुई। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, जहाज़ बनने लगे, शिप बनने लगे। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि ये जो जो सी रूट ढूंढने की प्रोसेस थी, वो और ज़्यादा आसान हो गई, और ज़्यादा फैसिलिटेट हो गई। स्पेनिश एंड पुर्तगीज एक्सप्लोरर सच एज मैगलन, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डी गामा मेड देयर मार्क इन फाइंडिंग न्यू रूट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो बहुत सारे स्पेनिश या पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे, जैसे कि मैगलन है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, या वास्को डी गामा है। ये कुछ ऐसे एक्सप्लोरर्स थे, ऐसे खोजकर्ता थे कि जिन्होंने ग्लोब पे एक नए नए सी रूट्स की छाप छोड़ी, यानी नए नए इन्होंने सी रूट्स ढूंढे। वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए सी रूट, समुद्र का रास्ता तलाश किया, खोजा। ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 19 सॉरी कालीकट इन 1498। और वो वास्को डी गामा जो थे, वो इंडिया में कब आया, कालीकट के पोर्ट पे, पोर्ट ऑफ कालीकट पे आया ये 1498 में। डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स हेल्प इन न्यू ट्रेड कॉन्टैक्ट विद लीड टू द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द टेरिटरी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेस पावरफुल कंट्री बाय अ मोर पावरफुल वन। तो जब नए सी रूट्स डिस्कवर हो गए, ठीक है, नए नए सी रूट्स खोजने की वजह से, समुद्र बहुत सारे समुद्री रास्ते खोजने की वजह से नए ट्रेड कॉन्टैक्ट, यानी कि नए व्यापारिक कॉन्टैक्ट बने, बहुत सारे नए ट्रेड जो थे वो कॉन्टैक्ट में आए। तो जिससे क्या हुआ कि ये जो इंपेरियलिज्म की पॉलिसी होती है, ठीक है, सबसे ताकतवर होने की, शासन करने की जो पॉलिसी थी, इसको बढ़ावा मिलने लगा। या लोक टेरिटरी या पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक के बेसिस पे जो कमज़ोर कंट्री थी, लेस पावरफुल कंट्री थी, कमज़ोर कंट्री थी, उसके ऊपर पावरफुल कंट्री जो थी वो कब्जा करने लगी, उसको अपने कंट्रोल में लेने लगी। अराउंड द 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। तो 18th सेंचुरी के आसपास में वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस टाइम वॉज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो था वो क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। जितने भी वर्ल्ड इस 18th सेंचुरी के अराउंड जितने भी वर्ल्ड में इवेंट्स हुए, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई, उनमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी फेमस हुआ। इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू द सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो स्टार्ट तो ब्रिटेन हुआ, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे ये यूरोपियन कंट्रीज तक फैल गया। इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन बिकॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर इन द लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इसे रिवॉल्यूशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 18th सेंचुरी के लास्ट में एंड 19th सेंचुरी की बिगनिंग में ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसने टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर, इन सब के ऊपर काफ़ी इफेक्ट अपना डाला, ठीक है, काफ़ी असर डाला उसके ऊपर, अपनी छाप छोड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर, इन सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ा और इन सब चीज़ों में चेंजेस दिखाई दिए। तो इस वजह से जो ये इंडस्ट्रियल इस इवेंट को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। दीज चेंजेस केम अबाउट एज दीज चेंजेस केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चर वाई विच हैड रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर। तो इसमें एक तो क्या चेंज आया कि देखो ये जो इंडियन रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, इससे क्या क्या चेंजेस आए कि जो इकोनॉमी थी, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, इसमें काफ़ी चेंजेस आए। इकोनॉमी रेट जो था वो बढ़ गया, और अब इकोनॉमी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से,
इंडस्ट्रीज और मशीन के ऊपर डिपेंड हो गई, यानी कि जो मैनुअल लेबर्स हुआ करते थे उनकी जगह कौन आ गया, इंडस्ट्रीज और मशीन्स आ गई। द इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्प्रेड थ्रू आउट वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड इवेंचुअली अफेक्टेड इंडिया एज वेल। व्हेन इंडिया वॉज ड्रॉन इनटू द वर्टेक्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे अदर यूरोपियन कंट्री में पहुंच गया, तो इसका जो इफेक्ट था वो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ के अलावा, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज जो थी वहाँ पे भी पहुंचा इसका असर, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी इसका असर आया। क्योंकि उस टाइम इंडिया में क्या था कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का रूल चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो जैसा कि आपको भी बताया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ही ब्रिटेन से हुई थी, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट जो था इंडिया पे पड़ना ही था। इंडिया इन द 18th सेंचुरी। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 द मुगल एम्पायर वेंट इनटू रैपिड डिक्लाइन। तो जब 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की डेथ हो गई, तो जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है क्लास 7th में कि कितना बड़ा ये एम्पायर था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा, ख़त्म होने लगा। द लेटर मुगल रूलर डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटीज नीडेड टू होल्ड दिस वास्ट एम्पायर टुगेदर। तो जो बाद के मुगल रूलर्स आए, यानी जो बाद के मुगल शासक जो थे, जो आए, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं थी, वो इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि ये इतने बड़े एम्पायर को जोड़ के रख सकें, उसको कंट्रोल में रख सकें। पावरफुल न्यू किंगडम वेयर एस्टेब्लिश बाई द मराठास एंड द सिक्स। तो मराठा और सिख जो थे उन्होंने अपने एक नए पावरफुल नए किंगडम बनाना शुरू कर दिए, वो उभरने लगे। द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, अवध, कर्नाटक एंड बंगाल रूल्ड इंडिपेंडेंटली ओवर देयर प्रोविंसेस। तो क्या था कि जो भी जो हैदराबाद के रूलर थे, अवध के, कर्नाटक, बंगाल, इन सब के जितने भी ये जो रूलर थे, शासक थे, वो सब क्या थे, वो अपने प्रोविंस के ऊपर वो इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से वो राज करना करने लगे। दीज न्यू पावर्स कंस्टिट्यूटली फॉट फॉर सुपरमेसी अमंग देमसेल्फ। और इसके अलावा ये जो नए नए पावर्स उभरे, जब नए नए किंगडम बने, सब एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होने के लिए आपस में लड़ने भी लगे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन मर्चेंट फ्राम यूरोप बिगिन इस्टेब्लिशिंग ट्रेडिंग बेस अलॉन्ग इंडियन कोस्ट। और ये वही टाइम था जब यूरोप के जो मर्चेंट थे, यूरोप के जो व्यापारी थे, वो हमारे इंडिया के जो कोस्ट थे, ठीक है, इंडिया के कोस्ट पे अपने ट्रेडिंग बेस बना रहे थे, यानी अपने व्यापारी के ठिकाने बनाना इन्होंने शुरू कर दिए थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ, द यूरोपियन टुक एडवांटेज ऑफ द रिवेलरीज अमंग द इंडियन रूलर एंड मेड देयर ओन बेसिस स्ट्रॉन्गर। और टाइम के साथ साथ जब उन्होंने यहाँ की कंडीशन देखी कि इंडिया में अब क्या है कि कोई पावरफुल एम्पायर रहा नहीं, ठीक है, कोई रूलर है नहीं, सारे रूलर जो हैं वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से ताकतवर होना चाह रहे हैं, तो उसका फ़ायदा यूरोपियन ने उठाया। उन्होंने क्या किया, उनका फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने बेसिस को, यानी जो इनके ट्रेड के ठिकाने थे व्यापार के, उसको उन्होंने और मजबूत कर लिया। The Europeans also fought among themselves for control over the hugely profitable trade with India. और इस तरह से जो यूरोपियन थे वो आपस में भी इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड यानी ज़्यादा फायदेमंद व्यापार करने के लिए ये आपस में भी इन्होंने लड़ाई की। सुन द, जैसे इसमें आते हैं आपके फ्रांस के आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच हैं, पुर्तगीज़ हैं, तो ये बहुत सारे इंडिया में आए थे। तो लास्ट में क्या था, ब्रिटिश लोग जो है इन्होंने इन सबसे लड़ाई करके इनको इंडिया से बाहर किया और खुद इंडिया में इस्टेब्लिश हो गए। सून द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ मेजर मेन पावर इन इंडिया। और जल्दी ही क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया की मेन पावर के फॉर्म में खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। विद इन 100 ईयर्स दे हैड मूव फ्रॉम बींग मोर ट्रेडर टू बींग द रूलर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी 100 साल के अंदर ही जब ये इंडिया में एज अ ट्रेड मर्चेंट आए थे, ठीक है, ये व्यापार करने सिर्फ इंडिया में आए थे, और उसके 100 सालों में ही इन्होंने धीरे धीरे अब पूरे इंडिया पे कब्जा करके खुद इंडिया के ऊपर ये
इंडिया के रूलर बन गए, ठीक है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो जानते हो ना, जो इंडिया की नेबर कंट्रीज से मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ये रूलर एज अ रूलर ये रहने शासन करने लगे। दिस ईयर यू विल लर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो इस साल आप मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ोगे उसमें क्या है कि किस तरह से 200 सालों तक ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर शासन किया। यू विल ऑल्सो लर्न हाउ आफ्टर ईयर्स ऑफ बींग एक्सप्लॉयटेड द इंडियन ग्रेजुअली केम टूगेदर टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम एंड हाउ इंडिया फाइनली बिकेम अ फ्री कंट्री इन 1947। तो इसके अलावा आप और क्या पढ़ोगे कि किस तरह से बहुत सारे हेरेसमेंट के बाद, बहुत सारे एक्सप्लॉयट होने के बाद, यानी बहुत सारे सालों तक शोषण के बाद इंडिया के जो लोग थे, ठीक है, जो इंडिया से, वो किस तरह से एक साथ आए, उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई करी और फाइनली इंडिया जो है वो किस तरह से एक फ्री कंट्री 1947 में बना। अब यहाँ पे मोर टू नो में हम देखेंगे, ऑन द मॉडर्न इमेज ऑफ इंडिया आफ्टर शो पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। अभी हम मॉडर्न इंडिया, जो हमारे इंडिया की जो मॉडर्न इमेज है वो क्या है, सिर्फ हमें पॉवर्टी, गरीबी दिखाती है और साथ में डेवलपमेंट की कमी दिखाती है। लेकिन इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ अनटिल द टाइम ऑफ ब्रिटिश इन्वेजन इन द अर्ली 17 सेंचुरी। जबकि इंडिया जो था अर्ली 17 सेंचुरी की शुरुआत तक, जब तक कि ब्रिटिश ने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया था, उस टाइम तक इंडिया जो थी वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आती थी, रिचेस्ट कंट्री थी। लेकिन जैसे ही इंडिया, ब्रिटिश ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब ब्रिटिश उसके ऊपर 200 सालों तक इन्होंने कब्जा जमाए रखा, और अब उसके बाद जो इंडिया की मॉडर्न इमेज बनी वो सिर्फ क्या दिखाती है, हमें सिर्फ गरीबी दिखा रही है और डेवलपमेंट की कमी दिखाती है। तो नेक्स्ट आपका आता है सोर्सेज फॉर द मॉडर्न पीरियड। तो हमें मॉडर्न के पीरियड के बारे में किन सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।